तो भैया सेचा गांव जो है ना वो अभिनिर्माण से पिछड़ा नहीं है। जब अभिनिर्माण वाले मन अपना सोच सकत है तो तय तो भैया। मंच पर बैठे साहब और साहिबा जागरूकता अभियान शिविर लगाकर लोगों को जागरूक करने ऐसे ही इस गांव पर नहीं पहुंचे। इन्हें यहां पहुंचाने के लिए मीडिया को मुहिम चलानी पड़ी, अधिकारियों को कुंभकर्णी नींद से जगाना पड़ा, अधिकारियों की नींद खुली, फिर पहुंचे सीता गांव और आपका दुलारा दिलाल टेन का खबर का असर हुआ। दरअसल में राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र मानपुर ब्लॉक के सीता गांव की महिला और युवतियां पीरियड यानी महावारी के दौरान कैसे गांव के बाहर की गंदी और बदबूदार कुटिया में 3 से 5 दिन बिताते थे। भोजन भी परिजन उसी कुटिया में पहुंचा देते थे जहां महिलाएं और युवतियां पीरियड के दौरान रहती थी। उस कुटिया के आसपास मवेशियों सुअरों का डेरा रहता था। गांव का गंदा पानी भी उसी कुटिया के पास इकट्ठा होता था। जिस समय महिलाओं और युवतियों को स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है, रूढ़िवादी परंपरा के चलते इस गांव की महिलाओं और युवतियों को इस परंपरा के आगे नतमस्तक होना पड़ रहा था। शिविर में पहुंचे महिला बाल विकास के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि गांव के लोग इस प्रथा को बंद करना नहीं चाहते। यहाँ बताना लाजमी होगा कि 2 साल पहले तत्कालीन कलेक्टर द्वारा इस रूढ़िवादी प्रथा को खत्म करने के लिए अभियान चलाया गया था, जिसकी जिम्मेदारी महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग को दी गई थी। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा महिला और फ्री में सैनिटरी नैपकिन देना था, लेकिन महज 2 महीने तक ही दोनों विभाग ने क्षेत्र में कार्य किया, फिर बंद कर दिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि 2 माह तक ही सैनिटरी नैपकिन फ्री में दिया गया, फिर सैनिटरी नैपकिन को 15 से 20 रुपए में बेचा जाने लगा। क्षेत्र की महिला इतना सामर्थ्य नहीं कि वे लोग सैनिटरी नैपकिन खरीद सकें। वहीं दिलालटेन की खबर चलाने के बाद जिला प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा और क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। अब देखना होगा कि प्रशासन की नींद कब तक खुली रहेगी, क्या क्षेत्र से रूढ़िवादी प्रथा खत्म हो पाएगी, क्या क्षेत्र में महिलाओं और युवतियों को पीरियड के दौरान स्वच्छ जीवन मिल पाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सूर्यकांत यादव, राजनांदगांव।